मार्च में होने जा रहे आईफा अवार्ड को लेकर अब मध्य प्रदेश में राजनीति होनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार इस अवार्ड के आयोजन को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी भाजपा ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने आईफा अवार्ड को लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्लैमर से प्रदेश नहीं चलता और मध्य प्रदेश में ग्लैमर की राजनीति की अभी आवश्यकता नहीं है। आप आईफा अवार्ड कराओ या आप ग्रैमी अवार्ड कराओ, परंतु उसके पहले आप मध्य प्रदेश की स्थिति तो ठीक कर लो। एक साल में आपने वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान की स्थिति ठीक नहीं हुई, गरीब और गरीब हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, सरेराह लोगों की हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आप युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पा रहे, सड़क पानी बिजली नाली की स्थिति बस से बदतर हो गई, और आप आईफा अवार्ड आयोजित कर ये स्थापित कर रहे हो कि हम बड़े बड़े लोगों को मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। ये ग्लैमर से प्रदेश नहीं चलता। ग्लैमर की राजनीति हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने की हो, पर मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति की अभी जरूरत नहीं है। आप आईफा अवार्ड कराओ ठीक है, परंतु ये भी तो बताओ कि मध्य प्रदेश के किसान के लिए आपने क्या किया, मध्य प्रदेश के मजदूर के लिए क्या किया, युवा महिला सब परेशान है। और मुझे अच्छा लगता यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ की जगह उस गरीब दलित परिवार के परिजनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिसको सरेराह जला दिया गया। मुझे अच्छा लगता मुख्यमंत्री जी उन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के पंडाल में जाकर उनकी समस्या का निराकरण कर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो अच्छा लगता। आप सलमान खान और बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश के आबो हवा को ठीक करिए, मध्य प्रदेश के माहौल को ठीक करिए, फिर आपको जो अवार्ड के प्रोग्राम करना है वो करिए। ये केवल ग्लैमर, केवल सेठ और केवल पैसे वालों का कार्यक्रम। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।